हाय दोस्तों, उत्तराखंड रूट्स के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद नया ब्लॉग आप लोग के बना रहे हैं। और दोस्तों, टाइम की कमी के कारण 2 दिन की छुट्टी थी, तो हम जो है मैं और मेरे मित्र जो है कामेश भैया बद्रीनाथ का टूर कर रहे हैं। तो अभी हम पॉलिटेक्निक पे हैं, बस यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही हैं। आगे पवेलियन होटल है नैनीताल पे, वहाँ पर कामेश भैया हमको मिलेंगे, तो वहीं से हम दोनों चलेंगे दोस्तों। और देखते हैं आज बद्रीनाथ तक पहुंचते हैं या फिर चमोली या जोशीमठ में हमारा स्टे रहेगा आज। तो देखते हैं दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो कमल भैया ने कर दिया आधे घंटे लेट, कमल भाई आ चुके हैं। आज लेट कैसे हो गई? तो पेट्रोल भरने के बाद हम पहुंच गए हैं अभी खैरना पे। यहाँ से करीब 1 घंटा हमें नैनीताल से आने में लगा और काफ़ी ठंड थी यहाँ पर। कायल भैया अभी को ठंड से हाथ खराब है, देखिए यहाँ से करीब हमें रानीखेत जाने में अभी 1 घंटा और लगेगा। तो चलते हैं रूट पे अपने। अभी चाय के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं, काफ़ी ठंड लग गई थी यहाँ पर आने में। अभी भी रानीखेत करीब 10 किलोमीटर बचा हुआ है, तो वहाँ पर अभी हमको जीवन भैया मिलने वाले हैं। जीवन भैया से मिलने के बाद हम आगे द्वाराहाट चौकटिया के लिए चलेंगे और मिलते हैं दोस्तों आगे को। अभी एक ग्लास चाय के बाद निकलते हैं। भैया ये हमसे मिलने रानीखेत में आए, इनका बहुत धन्यवाद। और अब यहाँ से हम जाएंगे आगे की तरफ। तो चौकटिया क्रॉस करने के बाद हम अभी पांडू खाल पहुँचने वाले हैं, और जो पांडू खाल जो है वहाँ से गढ़वाल रीजन लग जाएगा। और गढ़वाल रीजन 2020 में जब हम केदारनाथ गए थे तो चौकटिया पे हम पहुँचे थे करीब 10 बजे, और आज हम पहुँचे तकरीबन 10:30 बजे, तो आधा घंटा 20 से लेट चल रहे हैं। और अभी हम जाएंगे पांडू खाल, पांडू खाल से गढ़वाल रीजन स्टार्ट हो जाएगा। थे तो उनका अचानक टूर कैंसिल हो गया है, और बाकी जो 2 लोग हैं हमारे वो आगे निकल चुके हैं। तो जो हैं चंदन भैया और मुकेश भैया को हम बहुत मिस कर रहे हैं, और वो होते तो काफ़ी मज़ा आता इस टूर में, क्योंकि 2020 में भी हम साथ ही गए थे। तो नेक्स्ट टाइम उन्हीं के संग कहीं और का टूर बनाएंगे। तो दोस्तों अभी हम नाश्ता करते हैं, और कामेश भैया की वाइफ या मानी हमारी भाभी जी ने पराठे भेजे हैं, तो पराठे का आनंद लेते हैं। ये आलू के पराठे और ये आम का अचार, मिर्च का अचार, अभी टेस्टी पराठे जंगल के बीचों बीच खाने को मिल रहे हैं। और ब्रेकफास्ट के बाद शायद पांडू खोला में चेकिंग हो सकती है, आधार कार्ड देखे जा सकते हैं। मुझे गैस स्टैंड पे यहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा है, और बहुत सारे कॉमेडी मंगल दल के लोग यहाँ पर नीचे ग्राउंड में फंक्शन हो रहा है, तो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी हमें बद्रीनाथ नहीं जा रहा होता तो हम भी यहाँ भी जाते। दोस्तों गैरसैंण, और जिसे दोस्तों महिलाएं जो है अपनी पारंपरिक पोशाक पर यहाँ पर सर में कलश लेके और बिछौड़ा पहन के ये नंदा देवी मैया का जो नंदा राजचार यात्रा चलती है उसका एक डोला यहाँ पर बनाया गया है प्रदर्शन के लिए। आप देख सकते हैं एक खूबसूरत मोमेंट पर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रोग्राम नीचे होने जा रहा है, शायद इसी मंथ में प्रोग्राम होता होगा। दोस्तों यहाँ पर जो है आंवले के पेड़ बहुत हैं, तो अभी दिखाते हैं
आपको। वाह, तो जिले आंवले इकट्ठे हो चुके हैं, देखिए 1 किलो से ज्यादा, 1 किलो से ज्यादा आंवले इसको ले जाते हैं घर को, खाएंगे आराम से। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आदि बद्री और यहां से करीब कर्णप्रयाग जो है 20 किलोमीटर दूर है, और यहां से कर्णप्रयाग चलते हैं। फिर कर्णप्रयाग के बाद हमको बद्रीनाथ के रूट पे चलना है। देखिए आदि बद्री है, खूबसूरत दृश्य। दोस्तों हम पहुंच गए कर्णप्रयाग पे, और यहाँ पर हमारे मुकेश भैया ने एक फ्रेंचाइजी ली है पिज्जा हब की, और कर्णप्रयाग में जोशी मठ में। तो अभी मुकेश भैया से हमको मिलाते हैं, एक पिज्जा हमारा रेडी है अंदर, और चलते हैं अंदर की तरफ, पिज्जा खाएंगे प्यार से हम लोग। तो ये हमारे मुकेश भैया रानी केस से, हेलो भाई हो, कैसे हो? पिज्जा खा के रेडी हो सके हम तो पिज्जा खा के रेडी हो गए हैं। हमारे मुकेश भैया हैं, रानी केस से हैं मुकेश अधिकारी, और ये हमारे बहुत बड़े मित्र और छोटे भाई हैं। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे, ये हमारे मामा जोशीमठ, हाँ जोशीमठ, जोशीमठ से बद्रीनाथ होते हुए महाराष्ट्र रहेगा हमारा आज। दोस्तों मिलते हैं आगे की सैर पे। चार धाम के टूर में निकले हैं, तो वहाँ कर्णप्रयाग में, गोपेश्वर में, और जो है जोशीमठ में पिज्जा हब में आके पिज्जा खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपने रूट को। और दोस्त चलते हैं। दोस्तों कर्णप्रयाग का पुल है, और ये जो नदी देख रहे हैं साफ सी नदी, ये है अलकनंदा नदी, और यहाँ पर दो नदियों का संगम है। और यहाँ पर दिखाता है आपको, ये पिंडर नदी आ रही है पिंडारी ग्लेशियर से। और दोस्तों आपको बता दूं कि गढ़वाल मंडल में जो है 5 प्रयाग हैं, जैसे अभी कर्णप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग और रुद्रप्रयाग। दोस्तों जो रुद्रप्रयाग है वो है जो केदारनाथ को रास्ता जाता है, वो रूट है रुद्रप्रयाग उसमें। और जो ऋषिकेश को रास्ता जाता है वो देव प्रयाग है, जहाँ पर अलकनंदा भागीरथी नदी मिलती है। तो काफ़ी टाइम रास्ता लंबा था, तो 8:30 के टाइम पे हम यहाँ पहुँच गए, और रूम ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया था। अभी बद्रीनाथ के दर्शन करा रहे हैं आपको। कल सुबह 4:30 बजे ओपन होगा और 12 बजे तक, उसके बाद 3 बजे से शाम के 9 बजे तक। और अभी इसके अंदर के दरवाजे अभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, और देखिए के 5 बजे हैं, और हमने तपकुंड में यहाँ पर नहा लिया है। अभी देखिए आप दिखा दो बैक साइड में तपकुंड में लोग नहा रहे हैं। तपकुंड दोस्तों पानी इतना गर्म है कि हमारी सारी ठंडक दूर हो गई, आप करीब 1-2 घंटे तक ठंडी नहीं लग सकती है। देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर 2 तप्तकुंड है, यहाँ पर मेल के लिए, और इसके बैक साइड जाएंगे तो यहाँ फीमेल के लिए तप्तकुंड है। यहाँ पर आए प्रसाद, बिल्कुल प्रसाद की खरीदारी हो गई है, और अब जा रहे हैं मंदिर दर्शन की तरफ को। ले लिया, चलते हैं मंदिर की तरफ।
आए भाई साहब फोटो बनाओ। यहाँ से पूरा मंदिर आएगा। दोस्तों दर्शन हो गए हैं, अब यहाँ से निकलते हैं माड़ा विलेज के लिए। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा आप शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो फर्स्ट टाइम चैनल में इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में।